लोग कब्ज़ से बहुत ही ज़्यादा परेशान रहते हैं और कब्ज़ वाकई में एक ख़तरनाक बीमारी है। अगर निज़ाम इन्हिज़ाम आपका ख़राब होता है, आपका पेट ख़राब होता है, तो समझ लीजिए कि आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां जन्म लेने वाली हैं, क्योंकि पेट को उम्मुल अमराज कहा गया है, बीमारियों की माँ कहा जाता है। जब हमारा पेट ख़राब होने लगता है, हमें कब्ज़ की शिकायत होती है, तो फिर बहुत सारी बीमारियां हमें आना शुरू हो जाती हैं। तो अगर आपको दायमी कब्ज़ है या किस तरह किसी भी तरह की कब्ज़ है और आप कब्ज़ से छुटकारा नहीं पा रहे, तो ये छोटा सा उपाय आपके लिए है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। ठीक है, वीडियो को आखिर तक देखें, चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। अज़हरी दवाखाने की जानिब से मैं हूँ हकीम मोहम्मद रिजवान। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं आपके लिए एक नुस्खा लेके आया हूँ जो आपकी कब्ज़ किसी भी तरह की हो इंशाल्लाह ख़त्म कर देगा। इसमें सिर्फ आपको दो चीज़ें ही लेनी हैं। नंबर एक, सना मकी एक तोला, सौंफ छः माशा, दोनों को ले लें। लेने के बाद थोड़ा सा पानी लें और उसको जोश दें और उसे छान कर थोड़ी सी शक्कर मिला के उसे पी जाएं। ठीक है, इंशाल्लाह आपकी कब्ज़ दूर हो जाएगी। लगातार पीजिए आप इसको, अल्लाह ने चाहा तो कभी ज़िंदगी में कब्ज़ की शिकायत ही नहीं रहेगी। दोस्तों, ये मैंने बहुत छोटा सा और बहुत कारगर उपाय आपको बता दिया है। अगर आप किसी भी तरह की बीमारी में मुबतला हैं, जैसे धात है, लिकोरिया है, मर्दाना कमज़ोरी है, तनाव का ना आना, वीरिया पतला होना, स्पर्म की कमी होना, शुगर, बवासीर, गठिया, भगंदर, थायराइड या मोटापे को लेके आप ज़्यादा परेशान हैं, या जो कमज़ोर लोग हैं वो अपनी सेहत को बनाना चाहते हैं, या शराब भी, जो शराब बहुत ज़्यादा पीते हैं वो शराब की आदत छोड़ना चाहते हैं, या किसी भी तरह का नशे से आप छुटकारा पाना चाहते हैं, तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी मेडिसिन मंगा सकते हैं। इंशाल्लाह इन तमाम बीमारियों का इलाज हमारे यहाँ 100% देसी जड़ी बूटियों से किया जाता है और बहुत ही कारगर और भरोसेमंद और बहुत सफलता के साथ इंशाल्लाह ये इलाज किया जाएगा। तो आपसे गुजारिश है, ज़रूर रابطہ करें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम।